गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्रो स्कूल। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ का जो थर्ड लेक्शन है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के ऊपर बात करेंगे। डेसिमल में हम उसका ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हम ये जो है ना ये हम बनाएंगे और इसी से रिलेटेड जो आपके चैप्टर है कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल। तो जैसे कहना तो डेसिमल क्या होता है कि आप इस चीज को देखते हैं, आप इस चीज को देखिएगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना इसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। तो ये क्या है, 1, 2, 3। डेसिमल के बाद आने वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, एक ही बार 23 नहीं पढ़ते उसको। इसको आप ध्यान रखेंगे कि हम उस चीज को एक ही बार नहीं पढ़ते हैं, 23 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे उसको, 2, 3। अगर 0.456 इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, 0.456 9456 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखेंगे। अब अगर हम आते हैं तो डेसिमल में दो डेसिमल होते हैं, वो कौन कौन डेसिमल होते हैं वो आप देखेंगे। पहला होता है लाइक डेसिमल, क्या होता है ये भी हम पढ़ लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। और अनलाइक डेसिमल क्या होता है, लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। ओके, लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो संख्या है डिजिट के अनुसार उतना ही अगर कहीं और लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो लाइक है। जैसे कि अगर हम बात करें 1.23, 0.45, 6.2, ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1, 2, पॉइंट के बाद 1, 2, पॉइंट के बाद 1, 2, यानी दो दो डिजिट आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे, आपके लाइक डेसिमल होंगे। और अनलाइक डेसिमल में क्या होगा, 4.567, 8.003, 3.244, तो ये भी क्या हुए, ये लाइक डेसिमल हुए। तो ये दोनों क्या हुआ, हमारा लाइक डेसिमल हुआ। ये भी लाइक डेसिमल और ये भी अनलाइक डेसिमल। अब अगर हम बात करते हैं अनलाइक डेसिमल का, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं 4.567, 2.8, 3.92, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे डिजिट जो है डेसिमल के बाद वो अलग अलग है। गिनती में जाएंगे, काउंटिंग में, ना कि नंबर काउंट नहीं, काउंट उनको काउंट करना है 1, 2, 3, 1, 1, 2। तो यहाँ पे अलग अलग हैं, तो ये हमारे किसमें आएंगे, ये आएंगे आपके अनलाइक डेसिमल। तो अलग अलग जो अनलाइक डेसिमल को, डेसिमल को आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, यानी कह सकते हैं कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, यानी हमें अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करना है। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करना है, देखिए अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करने से हम अनलाइक कुछ लिखते हैं, सपोज करते यही लिखते हैं 4.567, 2.8 और 3.92, ये ठीक है। अब जैसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे सिंपली, यहाँ पे हम लाइक करने के लिए जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं ना दोनों में उनको हम उतना डिजिट कर देंगे। कैसे देखिए, 4.567 ये तो सबसे बड़ा है मेरा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। 2.8 इसमें कितने डिजिट कम हो रहे हैं, इसमें 3 और इसमें 1, तो 2 डिजिट कम हो रहा है, इसको भी 3 कर देंगे। करिए, इसमें 1 कम हो रहा है, 1 कर, हो गया। तो ये आपको लाइक डेसिमल में चेंज होगी, यानी मतलब कि सबसे बड़ा जो होगा ना उसी के अनुसार दूसरे तीसरे के जितने भी दिए होंगे उसको हम चेंज करेंगे। ये आपको इसलिए बता दिए क्योंकि हम जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में इसकी जरूरत पड़ती है, यानी हम उसको लाइक में अगर चेंज कर देते तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐड के ऊपर। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये सब हम करेंगे। ऐड देखिए,
क्वेश्चन में जैसे दिया है आपको, ठीक है, हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। आपके 3A में, एक्सरसाइज 3A में आपको दिया गया है, पहला नंबर दिया है 6.75 कॉमा 4.3 और 2.913। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला बात क्या है ऐड करने के लिए, सबको पहले लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है, लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, सबसे बड़ा क्या इसमें पॉइंट के बाद 3 यहाँ पर डिजिट है तो सबको 3 कर देंगे, 2 था तो 1 बढ़ा दीजिए 3 हो गया, ये भी 3 कर दिए और ये एक्चुअली जो है पहले से वो 3 है। अब लाइन से इसको जोड़ देंगे 6.750 4.300 2.91 ऐड कर देते हैं, ठीक है, आपका आ गया 30.6963। ऐसे ऐड करेंगे, यानी पहले अनलाइन में दिया होगा उसको लाइन में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर कॉलम में सजा के इसको हम जोड़ते हैं। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सबट्रैक्ट की तरफ। कोई गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सबट्रैक्ट में आपको है यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए है 6.473 फ्रॉम 17.589, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट दे दिए तो कोई हमको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, करें इस नंबर को इसमें से करें, आप लिख देंगे सिंपली आप 17.589 एंड 6.473, आप माइनस कर ही सकते हैं, ठीक है, आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, आप माइनस कर सकते हैं उस चीज को, तो खुद से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, माइनस आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज के लिए कोई वरी नहीं करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए आपका जो 3A है वो 3A सिर्फ ऐड और सबट्रैक्ट में बेस्ड है, तो आप 3A बना लेंगे, ओके 3A बना लेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3B का। 3B में आप अगर देखें चीज को तो आपको मल्टीप्लाई मिलेगा, ओके हम मल्टीप्लाई में करते हैं, सबका मैं क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आप उसको घर पे अपना आराम से बना सकते हैं। इसके पहले एक और चीज समझ लीजिए, जैसे लिखा है 1.1 1.10 1.100 1.1 ऐसे करके कितने भी जीरो दिए गए उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब क्या है, ये इक्वल नंबर के बाद अगर डिजिट अगर जीरो में आते हैं तो सारे इक्वल होंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लाइक किया गया, ठीक है, इसको हम बढ़ा सकते हैं जीरो, कोई मतलब नहीं इससे, बस उसके पहले जीरो नहीं होने चाहिए। चलिए बात करते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की बात करें तो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 8.37 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इसके कितने हैं कितने तरीके से बना सकते हैं वो भी देखिए। सबसे पहला बात हम क्या करेंगे 8.37 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल हटा के हम नीचे 2 जीरो दे दिए 1। अब यहाँ देखिए खत्म हो गया, अब बचा कितना हमारा 8.37 बाई 10, अब 1 जीरो है तो उधर से 1 और बाद पॉइंट दे देंगे, ये रहा आपका आंसर। या आप इसको डायरेक्टली अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कैसे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो इस साइड बढ़ता है, जितना जीरो रहेगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इस साइड रहेगा, जीरो है एक जीरो है तो डेसिमल एक जो है वो नंबर को क्या करेगा ड्रॉप कर जाएगा, मतलब फान जाएगा, सो जंप कर जाएगा, यानी जो पॉइंट 3 के पहले था वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा 7 के पहले, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। जितना भी अगर होगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन, जैसे 357.126 मल्टीप्लाई
तो यहां कितना जरूरी है, चार। तो चार के बाद ये जो डेसिमल है वो जंप करेगा, तो डेसिमल यहां पे बनता है एक दो तीन, और एक और करेगा, यहां पे तीन ही दिया गया है, लेकिन जीरो कितना करना है, चार जो है वो जंप करना है। जब चार जंप करना है, तीन तो जंप कर गए, चौथा तो है नहीं, तो चौथा क्या करेंगे हम अपने से, एक आपका इस तरीके से हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5 7 1 2 6 डिवाइडेड, पॉइंट का कितना जब 1 2 3 तीन जीरो देनी है, और यहाँ तीन जीरो से तीन जीरो खत्म हो गया, एक बच गया जीरो, तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो ये रहा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से जीरो के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नंबर और नंबर के साथ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन है 8.9 मल्टीप्लाई 2.3, ठीक है, 8.9 मल्टीप्लाई 2.3 5.9 दिया है, ओके, आपके को जैसा भी दिया हुआ है। आप सिंपल क्या कीजिए कि आप 59 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 59 और 23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 2 3 5 15 17 2 9 18 5 10 7 8 7 15 3 1 आया कितना आपका 1 3 5 7। बट ये आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कहें पॉइंट हटा के डेसिमल, मतलब डेसिमल हटा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेसिमल इसमें लगाना होगा, पॉइंट के बाद एक अंक, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो मल्टीप्लाई में हम जब ऐसा हो तो जोड़ देते हैं, ठीक है, वैसा अगर हो तो हम जोड़ देते हैं, यानी 1 और यहाँ भी 1 है, कितना हो गया टोटल मिला के 2 हो गए, कितना हो गया ये 1 और 2, ओके, ठीक है। तो आप पे क्या करेंगे कि आपके लिए होमवर्क क्या होगा, आपके लिए होमवर्क होगा एक्सरसाइज 3A एंड 3B, एक्सरसाइज 3 और 3B आप इसको बनाएंगे, ठीक है, और जो भी होगा प्रॉब्लम जो होगा वो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे मेरे पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, तो 3 और 3B, एक लास्ट आपका बचा है 3C और 3D, तो हम आपको वो अगले वीडियो में जो है वो आपको क्लियर जो है वो कर देंगे, ठीक है, तब तक के लिए